आज हम लेके आए हैं आपके लिए नोट 10G, मी कंपनी शाओमी का नोट 10, रेडमी का नोट 10 और 5G। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक वाहिद मोबाइल है जो सबसे सस्ता पाकिस्तान में 5G के साथ आ रहा है। ये उसी मोबाइल को हम आज अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारी वीडियो व्यूअर स्किप मत कीजिएगा, हमारी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हम आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे सकें अबाउट इसके कैमरा, अबाउट एंड अबाउट सेल्फी एंड अबाउट चिपसेट एंड अबाउट इसकी रैम, SSD और तमाम इंफॉर्मेशन हम देंगे। इससे पहले हमारा ये YouTube चैनल पाकलाल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। जी व्यूअर्स, तो हम फाइनली इसको अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं इसे अनबॉक्स करके हमें अनबॉक्सिंग में इस बुक्स के अंदर देखने को क्या क्या मिल रहा है। जी व्यूअर्स, फाइनली आज हम अनबॉक्सिंग करने के लिए इसको जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रांडिंग दिखा दूं, रेडमी 10 की ब्रांडिंग है और इधर मी लिखा हुआ है और इसके साइड में भी इसी तरह लिखा हुआ है, रेडमी नोट 10 और गूगल एप्स एक्सेस इजी लिखा हुआ है, PTSA अप्रूव्ड है ये लिखा हुआ है, दोनों तरफ नोट है और इसके डब्बे के बैक साइड में वारंटी कार्ड है और इसमें कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन बुक्स में नहीं दी गई। अब इसको हम अनबुक्स करने के लिए जा रहे हैं और अनबुक्स करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो हम फाइनली इस वेपर को ओपन करते हैं। तो हम इस वेपर को ओपन करके देखते हैं कि हमें देखने को क्या मिल रहा है। तो मैं फाइनली इस वेपर को मूव करूँगा और मैंने ये मूव कर दिया है, ये मूव हो के साइड पे वेपर कर दिया और ये है इसका वारंटी कार्ड, ये जो आप देख रहे हैं और ये यहाँ पे वारंटीज और कुछ वारंटोसी टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी के मतलब लिखा होता है। वैसे इसकी वारंटी ऑनलाइन है, कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। अब फाइनली हम इस डिवाइस को ओपन करते हैं। तो हम डिवाइस को ओपन करने के लिए फिर रीपैक अगैन करते हैं और जब हम रीपैक कर लिया है फुल, ये देखें, अब हम ये बता दें कि डब्बे की दूसरी इन्फॉर्मेशन के हमारे पास ये रेडमी नोट 10 लैक ग्रीन कलर में है और 4GB रैम, 128GB रोम SSD में है। बाकी मालूमात मैंने आपके ऊपर देखनी, आप ब्रेक करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये एक 5G मोबाइल है। जी हाँ, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हम फाइनली इसको बुक्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डिवाइस देखने में नज़र आ रही है जहाँ पे कुछ रेडमी के लिखा हो गया है। तो हम इस अपनी इस डिवाइस को ऊपर की तरफ उठाते हैं और उठाते सारी हम देखते हैं कि हमारे ऊपर लिखा हुआ है रेडमी नोट 10 लिखा हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है गाइज 6.43 एमोलेड डिस्प्ले में। जी हाँ, एमोलेड डू डिस्प्ले में है जो कि बहुत अच्छा डिस्प्ले। तो मस्जिद बाद आपके बाद यहाँ 33 हाँ वाट फास्ट चार्जर दिया जाता है। जी व्यूअर्स, और इसके अलावा इसके साथ आपको इसके G78 इसका जो चिपसेट है वो दिया जाता है जो तो बहुत पावरफुल है, और 48 क्वाट कैमरा सेटअप किया जाता है इसके साथ। रेडमी है और बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, स्पेले की अनबॉक्सिंग यही है। तो व्यूअर्स, इन इस मोबाइल को मैं साइड पे रखता हूँ और मैं बुक्स में देखता हूँ क्या क्या कॉन्टैक्ट्स हमें मिलते हैं बुक्स में मज़ीद। तो मैं इसको साइड पे रखते हुए इसको मैं ऑन कर देता हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट देखते देखते हमारा मोबाइल है जो वो ऑन हो जाए। तो मैं इसको साइड पर रखता हूँ। तो फाइनली हम इस बुक्स में देखते हैं और हमें इस बुक्स में देखने को क्या मिलता है। तो मैं इस बुक्स को ओपन करता हूँ मज़ीद। ओके व्यूअर्स, और मज़ीद ओपन करने के बाद ये हमें बुक्स मिल गया और इस बुक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है इसको हम अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक की मिली है जिसे हम सिम जैक निकाल सकते हैं और इसके साथ एक कवर मिला है और इसके साथ एक पेपर वर्क मिला है। कुछ नहीं इसमें खास गाइडलाइंस और वारंटी से कुछ लिखा होता है, खास कोई चीज़ नहीं लिखी। वेयर से हमें जो केस मिला है उसकी हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं पहले। मुझे तो बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है, बल्कि हैवी है यार, अच्छी लग नहीं रही, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत बेहतरीन है। और इसके साइड पे थोड़ी सी जगह छोटी, इसका मतलब साइड फिंगरप्रिंट होने वाला है इसमें। और बुक्स में देखते हैं हमारे पास टाइप सी केबल है और इसके साथ 33 वाट फास्ट अडाप्टर है जो कि पहले दिखाया गया है आपको सेटिंग। अब हम डिवाइस की तरफ जाते हैं फाइनली और डिवाइस की सेटअप की तरफ जाते हैं और सेटअप करके मैं दोबारा वापस आता हूँ। जी व्यूअर्स, हम सेटअप की तरफ जाते हैं
और सबसे पहले हमने जो देखा है, बड़ी मज़े की बात है जो मैंने दोबारा वीडियो बना ली, इसमें आपको स्टार्टिंग में ही उर्दू में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो तो एक बेहतरीन ऑप्शन है, ताकि आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस सूरत हाल में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ यही चलती है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में। और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने बाद कंट्री आप जौन सा मर्जी सेलेक्ट कर लें, जो आपका दिल करे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी, आपने इंडिया करना या पाकिस्तान करना या बांग्लादेश अमेरिका जो भी करना है। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये रीड कर लें, एग्रीमेंट मैं इग्नोर कर रहा हूँ और इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। जी व्यूअर्स, हमारे पास ये फ़ोन मुकम्मल तौर पे सेटअप हो चुका है। ये देखें, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूँगा डिस्प्ले की। व्यूअर्स, डिस्प्ले इज़ वेरी अमेजिंग डिस्प्ले है यार, मैं आपको क्या बताऊँ इस डिस्प्ले का, सुपर एमोलेड डिस्प्ले बाईजी, वो भी इस प्राइस बजट में। आपको एक बात याद रखें, आपको कोई भी और ब्रांड इस बजट में आपको फ़ोन नहीं देगा, और वो भी 5G में। जी हाँ, सुपर एमोलेड पैनल में, और ऊपर से यार चिपसेट 5G चिपसेट लगी हुई है यार, आपको क्या चाहिए इस प्राइस बजट में। और यार हैंड फीलिंग बहुत बेटर है इसकी, ये देखें। और बाकी ये देखें, इसके मैं कुछ बता दूँ आपको, 3.5 जैक कार्डियो हुआ है, इसमें टाइप सी चार्जर दी हुई है, स्पीकर दिए हुए हैं, सिम जैकेट है, और इसके बाद इसके ऊपर की तरफ भी स्पीकर दिए गए हैं, वॉल्यूम आप और वॉल्यूम डाउन के दिया गया, और ये आपको पावर दी गई है। जी व्यूअर, फाइनली हमने आपको बता दिया है कि ये एक 5G डिवाइस है। एक तो ये डिवाइस बहुत, मतलब हैंड यूज़ बहुत अच्छी है, जब इसको आप हैंड कैरी करेंगे यार, वेट के लिहाज से आप देखा जाए तो बहुत, मतलब बहुत सॉफ्ट है डिवाइस, और बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है। और हैंड फीलिंग ऐसे लगता है जैसे आपने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में पकड़ा हो। इसकी जो हम डिज़ाइन की बात करें तो क्या बात है यार, इसका बहुत आउट क्लास डिज़ाइन दिया गया कैमरे का, और एक बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन दिया गया है यार इसमें। और पीछे रेडमी लिखा गया है, और इसमें डिवाइस में रेडमी लिखा गया है, और इसमें बेहतरीन डिवाइस है, और बहुत बेहतरीन आला और डिवाइस है। और इसका अब फिंगरप्रिंट है जो साइड पे किया गया, जो कि अभी हम टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे इसके फिंगरप्रिंट की रिस्पॉन्स। और स्क्रीन भी बहुत बड़ी दी गई है, जिसमें आप मुकम्मल तौर पे स्क्रीन पे आप फिल्म या मूवी या सॉन्ग एंजॉय करना चाह रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो बहुत इजी यूज़ होएगा इसका। और इसके अलावा इसमें पबजी गेम का बड़ा किरदार है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट चलेगी और बहुत हाई, क्योंकि इसमें एक 5G चिपसेट है, जो कि बहुत पावरफुल चिपसेट है, और सुपर एमोलेड पैनल के साथ है। आपको गेमिंग आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बेफिक्र रहिएगा। अगर आप देखते हैं एक 30,000 या 31,000 के बजट में, 31-32,000 के बजट में बेस्ट डिवाइस कौन सी होने वाली है, मैं कंसिडर करूँगा ये डिवाइस बेस्ट डिवाइस है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन डिवाइस है इसी बजट के लिहाज से, क्योंकि इसकी खूबी मैं आपको बताता जाऊँ। पहली बात है इसका सुपर एमोलेड पैनल है, और दूसरी बात है ये कि एक 5G है, तीसरी बात है इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल की गई वो एक 5G चिपसेट इस्तेमाल की गई है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट होती है। और व्यूअर्स, ये डबल सिम सपोर्टेड डिवाइस है, और मैं आपको ये बता दूं कि इनमें दोनों सिमों में 5G आप चला सकते हैं, आप पे डिपेंड है आपने 1 पे चलानी हो, 2 पे चलानी। और व्यूअर्स, मैं एक और बात आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कि इसमें एक सिम और एक SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक टाइम में 2 सिम इस्तेमाल करेंगे, SD कार्ड नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, या आप 2 सिम इस्तेमाल कर सकते, या 1 सिम SD कार्ड, लेकिन इसकी अपनी 128 SD। जी व्यूअर्स, अब हम इसके कैमरे की बात करते हैं, आपको बताते जाएं इसका कैमरा कितना है। इसका 48 MP कैमरा है, और इसके साथ आपको दो डेथ सेंसर मिल जाते हैं, एक मैक्रो है और एक डेथ है। उसके साथ आपको एक LED लाइट मिल जाती है, जो तो डबल LED लाइट है, बहुत अच्छी है। और इसका जो फ्रंट कैमरा वो 8 MP है। मैं आपको बता दूं, इस पे आप 180 जो बैक आपका रियल कैमरा, उस पे आप 180p तक 180p एंड 60 एंड 40 60 एंड 120 तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इससे।
जी भैया, इसकी हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 5G, 4G, 3G, GPS और इसके अलावा GPRS, ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और चार्जिंग टाइप सी है इसके साथ जो केबल आपको मिलेगी, और इसके साथ ऐसी 5G, 4G बाकी तमाम कनेक्टिविटी हैं जो तो अबाउट कनेक्टिविटी के, ये मैं पहले भी आपको वाजह कर चुका हूँ, अब भी वाजह कर देता हूँ। आम नॉर्मल 4G की बजाय आपको इस डिवाइस में ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है। उसकी रीज़न है क्योंकि एक 5G चिपसेट और एक मोबाइल फ़ोन 5G है। जी व्यूअर्स, फाइनली हम आपको बता दें कि इसका जो अडाप्टर है वो बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी 18 वाट तक इसका अडाप्टर है और ये एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 33 वाट फास्ट वाट तक चार्जर है, जो इस मोबाइल को बहुत तेज़ी से साथ चार्ज करेगा। आधे घंटे में आपकी बैटरी फुल होने वाली है, और इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh है, जो कि एक अमेजिंग बैटरी है। आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है बैटरी का, इसकी पावर बैंक का। और बाकी व्यूअर्स, मैं आपको बाकी तमाम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, अगर मुझसे कुछ रह गई आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी व्यूअर्स, इसकी जो ओवरऑल कैमरे का जो रिव्यू है मैंने नहीं आपको दिखाया, मैं आपको बता दूं वो आई बटन ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे कैमरे का फुल रिव्यू हम बताएंगे आपको। और दूसरी बात है व्यूअर्स, इसकी जो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, इसकी ब्लॉग भी हम बनाएंगे, तमाम वीडियोस बनाएंगे, इसलिए अगर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे व्यूअर। और इसका हम पबजी गेम टेस्ट भी लेके आने वाले हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आप फेसबुक पर व्यूअर देख रहे हैं तो ऊपर फेसबुक का पेज लाइक कर लें, और साथ इसी टाइटल के पाकिस्तान मोबाइल स्टोर के साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो सके, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी फ्यूचर बहुत जल्द हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके लेके आ रहे हैं।